नमस्कार, मैं कीर्ति बैद लोकबाद पर कहानियों का काफिला में आज प्रस्तुत कर रही हूँ प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। ये कहानी वर्ष 1930 में प्रकाशित हुई थी, जो प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो चलिए सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे देंगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माँ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां मनवाएगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर पर टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम ढील लिए हुए स्त्री के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करोगे, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपये ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो आपकी से खेती, मजूरी से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकलने जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में छिपाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटे रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ, ठंड में क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चल आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुकू को दर्द बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद तार लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राड़ पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घड़बड़ा भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है,
हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट लेता, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसने अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जानी कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिमटाए हुए ऐसे ही सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया था, नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा, छतरी के बाहर आकर भूकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चमकार कर बुलाया पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूकता रहा। एक ही क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमा की भांति उछल रहा था। एक घंटा और गुजर गया। रात ने शांति को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है, सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात बाकी है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के ठप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा ही नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ से सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोवेंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू कर सहमत प्रकट किया और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में धूप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंद टप टप नीचे टपकती रही थी। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। ज़रा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठरे जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था।
हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो वह ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सोकर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब तो ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कुकू कर मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, मैं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखिए कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछलता और उस अलाव के ऊपर साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो यह सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूककर खेतों की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया, शायद नील गायों का झुंड था। उसके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेतों में चर रही है। उसके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है, कहा अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेतों के चले जाने की आहट मिली, अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, कैसे ठंडाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार थी, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला, पर यकायक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला पिच्छू के डंक सा झोंक लगा कि वह फिर से बूझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता है, नीलगाय खेत का सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ा रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर सो गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए, देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेता है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेतों की दशा देख रहे थे, मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरना पड़ेगी।
हल्कू ने प्रसन्न मन से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। अभी आप प्रेमचंद की कहानी पूस की रात सुन रहे थे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए लोकपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप अपनी पसंदीदा कहानी सुनना चाहते हैं तो भी हमें बताइए। इसी के साथ मुझे यानी कीर्ति बैद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।